नमस्कार। साप्ताहिक समाचार संकलन के इस अंक में आपका स्वागत है। पहले की तरह इस अंक की भी शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। ईज ऑफ लिविंग सूचकांक जारी, बेंगलुरु और शिमला रहने के लिए सबसे सुगम शहर। यूनिसेफ ने जारी की कोविड 19 के बाल विवाह पर पड़ने वाले प्रभाव संबंधी रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया से संबंधित अधिकारों की जारी की नई सूची। कर्नाटक ने लॉन्च की देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। अमेरिका ने भारत को अफगान शांति वार्ता में किया शामिल। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स ने दूसरी तिमाही में दिखाया माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्रेडिट वृद्धि में तेजी के संकेत। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि अंकटाड द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2021 को किया गया जारी। भारत सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों के बीच स्वच्छता कार्य प्रोत्साहन हेतु शुरू की स्वच्छता सारथी फेलोशिप। जैव प्रौद्योगिकी का सबसे बड़ा जलसा ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का नई दिल्ली में किया गया उद्घाटन। सामने आई यूएन की चौंकाने वाली रिपोर्ट, विश्व में 1 अरब टन खाद्य उत्पादन होता है बर्बाद। यूएस थिंक टैंक ने घटाई भारत की फ्रीडम रैंकिंग, नागरिकों की आजादी पर उठाए गए सवाल। और साल 2050 तक हर 4 में से 1 व्यक्ति को होगी बहरेपन की समस्या, WHO ने किया अलर्ट। आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। हाल ही में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय ने ईज ऑफ लिविंग सूचकांक 2020 और नगरपालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2020 की रैंकिंग जारी की। आइए इन दोनों सूचकांकों पर डालते हैं एक नजर। सबसे पहले बात करते हैं ईज ऑफ लिविंग सूचकांक की। इस सूचकांक में जीवन की गुणवत्ता और शहरी विकास के विभिन्न प्रभावों का मूल्यांकन किया जाता है। सूचकांक में शहरों के प्रदर्शन आकलन के लिए 2 श्रेणियां बनाई गई है। पहली श्रेणी के अंतर्गत 1 मिलियन से ज्यादा आबादी वाले शहरों को रखा गया है, जबकि दूसरी श्रेणी के अंतर्गत 1 मिलियन से कम आबादी वाले शहरों को रखा गया है। 1 मिलियन से ज्यादा आबादी वाले शहरों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 3 शीर्ष राज्य हैं, बेंगलुरु, पुणे और अहमदाबाद, जबकि सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं अमृतसर, गुवाहाटी, बरेली, धनबाद और श्रीनगर। 1 मिलियन से कम आबादी वाले राज्यों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 3 शीर्ष राज्य हैं शिमला, भुवनेश्वर तथा सिलवासा। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं अलीगढ़, रामपुर, नामची, सतना और मुजफ्फरपुर। वहीं अगर हम बात करें दूसरे सूचकांक की यानी कि नगरपालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2020 की, तो यह सूचकांक सेवाओं, वित्त, नीति, प्रौद्योगिकी और शासन के विभिन्न क्षेत्रों में नगरपालिकाओं के स्थानीय सरकारी कार्यों की जांच करता है। नगरपालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2020 में 111 नगरपालिकाओं के क्षेत्रीय प्रदर्शन की जांच की गई है। नगरपालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक को तैयार करने में 5 मापदंडों का प्रयोग किया जाता है। ये 5 मापदंड हैं सेवा, वित्त, नीति, प्रौद्योगिकी और शासन। इस सूचकांक में भी नगरपालिकाओं को उनकी जनसंख्या के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। ये वर्गीकरण है 1 मिलियन से अधिक आबादी वाली नगरपालिकाओं की और दूसरा 1 मिलियन से कम जनसंख्या वाली नगरपालिकाओं की। 1 मिलियन से ज़्यादा आबादी वाले श्रेणी में इंदौर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है, इसके बाद सूरत और भोपाल है। 1 मिलियन से कम आबादी वाले श्रेणी में NDMC शीर्ष स्थान पर रही, इसके बाद तिरुपति और गांधीनगर का स्थान रहा। तो ये थी ईज ऑफ लिविंग से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को यूनिसेफ के द्वारा बाल विवाह से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कोविड 19 ए थ्रेट टू प्रोग्रेस अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज नाम के इस रिपोर्ट में कोविड 19 महामारी के बाल विवाह पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा की गई है। आइए डालते हैं एक नजर रिपोर्ट से जुड़े मुख्य तथ्यों पर। रिपोर्ट के अनुसार कोविड 19 भले ही एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, परंतु इसने सामाजिक आर्थिक क्षेत्र को भी प्रभावित किया है, जिसमें समाज के निम्न हाशिए पर रहने वाले लोग ज्यादा प्रभावित हुए हैं।
आर्थिक स्थिति के खराब होने और स्कूलों के बंद होने से समाज के निम्न हाशिए पर मौजूद कमजोर लड़कियों के समक्ष बाल विवाह का खतरा बढ़ गया है। रिपोर्ट के अनुसार इस दशक के अंत तक में बाल विवाह के मामले में 10 मिलियन की अतिरिक्त वृद्धि होने की संभावना है। यह बात इस आधार पर कही जा रही है कि COVID-19 महामारी के पूर्व लगभग 100 मिलियन लड़कियों पर बाल विवाह का खतरा मंडरा रहा था। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में जितनी शादियां बाल अवस्था में हुई हैं, इनमें से लगभग आधी शादियां भारत, बांग्लादेश, ब्राजील, इथियोपिया और नाइजीरिया से संबंधित हैं। यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 3 में से 1 बाल विवाह का मामला भारत में है। रिपोर्ट में कम उम्र में शादी होने पर लड़कियों के सामने आने वाली समस्याओं को भी रेखांकित किया गया, जैसे घरेलू हिंसा का शिकार होना, शिक्षा से वंचित होना और नियोजित गर्भावस्था के खतरे का सामना करना, मातृत्व संबंधी परेशानियों का सामना करना। रिपोर्ट में COVID-19 के प्रभावों को जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश पर बल देने को कहा गया है, ताकि वर्ष 2030 तक सतत विकास के निर्धारित लक्ष्यों को पाया जा सके। अब एक नजर डालते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ पर। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 11 दिसंबर 1946 को की गई, जिसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के कारण हुई तबाही के बीच बच्चों और माताओं को भोजन और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाना था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि OCI से संबंधित अधिकारों की एक सूची जारी की है। आइए देखते हैं कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को क्या अधिकार दिए गए हैं। एक OCI कार्ड धारक कुछ उद्देश्यों को छोड़कर अन्य सभी के लिए भारत में 1 से अधिक बार आने और आजीवन वीजा प्राप्त करने के हकदार होंगे। वहीं जिन उद्देश्यों के लिए OCI कार्ड धारकों को भारत में प्रवेश करने की अनुमति लेनी होगी, उसके अंतर्गत अनुसंधान, पत्रकारिता, पर्वतारोहण, मिशनरी कार्य और प्रतिबंधित क्षेत्रों के यात्रा शामिल है। जो OCI कार्ड धारक भारत में रह रहे उन्हें क्षेत्रीय विदेशी पंजीकरण कार्यालय के साथ पंजीकरण से छूट दी गई है। आपको बता दें कि भारत आने वाले विदेशियों जिनके पास 180 दिनों से अधिक अवधि का वीजा होता है के लिए यह अनिवार्य होता है कि वे क्षेत्रीय विदेशी पंजीकरण कार्यालय के साथ पंजीकरण कराएं। कुछ क्षेत्रों में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को अनिवासी भारतीयों के समान अधिकार दिए गए हैं। ये क्षेत्र हैं बच्चों को गोद लेना, कृषि भूमि और फार्म हाउस जैसी अचल संपत्तियों की खरीद या बिक्री, वकील, डॉक्टर, आर्किटेक्ट एवं चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे व्यवसाय करना तथा प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होना। प्रतियोगी परीक्षा के संदर्भ में यहाँ यह बताना आवश्यक है कि OCI कार्ड धारक भारतीय नागरिकों के लिए आरक्षित किसी सीट के लिए पात्र नहीं होंगे। जहां OCI को NRI के समान कुछ क्षेत्रों में अधिकार दिए गए हैं, वहीं कुछ क्षेत्रों में भारतीय नागरिकों के समान अधिकारों का उपभोग कर सकेंगे। ये क्षेत्र हैं सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश शुल्क, घरेलू हवाई किराया आदि। आर्थिक वित्तीय क्षेत्र के संबंध में OCI कार्ड धारक के एक विदेशी व्यक्ति के समान ही अधिकार होंगे। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कौन होता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो गृह मंत्रालय के अनुसार ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वह व्यक्ति है जो 26 जनवरी 1950 को अथवा उसके बाद भारत का नागरिक था, या वह व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 को भारत का नागरिक बनने के योग्य था, या वह ऐसे व्यक्ति की संतान एवं पौत्र है और अन्य सभी मानदंडों को पूरा करता है। वहीं वर्ष 2005 में प्रस्तुत एक नियम के अनुसार एक आवेदक OCI कार्ड हेतु पात्र नहीं होगा यदि वह उसके माता पिता या दादा दादी कभी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक रहे हों। भारत सरकार ने वर्ष 2015 में OCI श्रेणी का विलय भारतीय मूल के व्यक्ति की श्रेणी के साथ कर दिया था। देखते हैं अगली खबर को। हाल ही में कर्नाटक ने देश की पहली इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पॉलिसी लॉन्च की है। इस नई नीति के अंतर्गत निम्न को शामिल किया गया है। अगले 5 वर्षों में राज्य के इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास नीति को प्रोत्साहित करना,
इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में 50,000 नए स्थानीय रोजगार का सृजन करना, अनुसंधान आधारित कुशल योग लोगों का एक पूल तैयार करना, कर्नाटक में इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना, अनुसंधान संस्थान एवं औद्योगिक संस्थानों के बीच की दूरी को कम करना, बंगलुरु से बाहर उद्योग का विस्तार करना, नवाचार को प्रोत्साहित करना, नवाचार लैब तक पहुंच को बढ़ाना, इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास कोष तक जरूरतमंद अनुसंधानकर्ताओं की पहुंच को बढ़ाना और इस क्षेत्र में किए निवेश पर सब्सिडी प्रदान करना। देखते हैं अगली खबर को। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान में शांति की स्थापना के लिए एक शांति योजना तैयार की है। इस शांति योजना के अंतर्गत अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक क्षेत्रीय सम्मेलन का प्रस्ताव दिया है। इस क्षेत्रीय सम्मेलन में संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान के विदेश मंत्रियों के साथ अफगानिस्तान के लिए शांति स्थापना पर चर्चा की जाएगी। इस शांति प्रक्रिया में भारत को शामिल किया जाना अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अमेरिका इस बात को स्वीकार कर रहा है कि शांति स्थापित करने की प्रक्रिया में भारत काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। भारत अफगानिस्तान में शांति स्थापना के लिए हमेशा से गंभीर रहा है, जिसके प्रमाण भी उपलब्ध है, जैसे अवसंरचना का विकास, सुरक्षा बलों का प्रशिक्षण और आवश्यक उपकरणों की आपूर्ति करने में अफगानिस्तान में भारत द्वारा भारी निवेश करना। इस निवेश के दृष्टिकोण से अफगानिस्तान में शांति की स्थापना भारतीय दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अफगानिस्तान में एक मैत्रीपूर्ण सरकार स्थापित करने से पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से निपटने में भी भारत को काफी मदद मिलेगी। वहीं इस शांति प्रक्रिया के मार्ग में कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे अफगान सरकार और तालिबान दोनों ही अभी तक सत्ता विभाजन में किसी निर्णायक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। दोनों पक्ष निष्कर्ष पर जल्द पहुंचेंगे इस पर भी संदेह है, क्योंकि तालिबान आंतरिक रूप से विभाजित है। वहीं पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों के एक केंद्र के रूप में अफगानिस्तान भी है। पाकिस्तान ना तो अफगानिस्तान को छोड़ना चाहता है, ना ही अफगानिस्तान में सख्त इस्लामी व्यवस्था को कमजोर होने देना चाहता है। परंतु इन सब के बावजूद अमेरिका द्वारा की जा रही यह पहल एक महत्वपूर्ण कदम है, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक होगा कि अफगानिस्तान में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए सभी पक्षों को गंभीरता से विचार करना होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स को जारी किया गया। इसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही की तुलना में दूसरी तिमाही में माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस क्रेडिट वृद्धि में तेजी देखी गई। जारी सूचकांक के अंतर्गत समग्र वृद्धि सूचकांक पहली तिमाही के 111 अंक से बढ़कर दूसरी तिमाही में 114 अंक हो गया, जबकि समग्र क्षमता सूचकांक भी पहली तिमाही के 83 से बढ़कर दूसरी तिमाही में 89 हो गया। अगर बात करें माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स की, तो इसे ट्रांस यूनियन सिविल ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के साथ मिलकर लॉन्च किया है। यह सूचकांक प्रत्येक 3 महीने पर प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक भारत के माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की क्रेडिट स्थिति को 2 मापदंडों पर मापता है, पहला वृद्धि और दूसरा मापदंड क्षमता। इस सूचकांक का उद्देश्य भारत में माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस क्षेत्र की वृद्धि और क्षमता का मूल्यांकन करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कि अंकटाड द्वारा प्रौद्योगिकी और नवाचार रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया। आइए डालते हैं एक नजर रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर। रिपोर्ट के अनुसार सीमांत प्रौद्योगिकियां पहले से ही 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बाजार का प्रतिनिधित्व कर रही है। संभावना है कि वर्ष 2025 तक यह 3.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ सकता है। जिस सीमांत प्रौद्योगिकी की यहां बात हो रही है उसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, 5G, 3D प्रिंटिंग और रोबोटिक्स, ड्रोन, नैनो टेक्नोलॉजी शामिल है। रिपोर्ट में समावेशन का जिक्र है।
इसमें यह बात कही गई है कि डिजिटलाइजेशन महिला भागीदारी में वृद्धि करती है, साथ ही यह तकनीकी मूल्यांकन को भी बढ़ाती है। तकनीकी परिवर्तन के माध्यम से ऑटोमेशन क्षेत्र की नौकरियां बढ़ेंगी, इससे अकुशल श्रमिकों के समक्ष रोजगार अवसर कम हो सकते हैं, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। तकनीक के बढ़ते प्रयोग से उच्च स्तर वाले रोजगार की प्रकृति में वृद्धि होगी। सीमांत प्रौद्योगिकियों का उपयोग गिग अर्थव्यवस्था में और अधिक वृद्धि करेगा। आपको बता दें कि गिग एक निश्चित अवधि तक चलने वाली नौकरी को कहते हैं। अक्सर यह एक परियोजना तक या जब तक कंपनी को उस विशिष्ट व्यक्ति की आवश्यकता होती है चलती है। यह अल्पकालिक या दीर्घकालिक और स्थायी भी हो सकती है, किंतु जब तक इसकी आवश्यकता रहती है तब तक ही यह रहती है। रिपोर्ट में प्रौद्योगिकी इस्तेमाल के स्तर पर भारत की स्थिति को अच्छा बताया गया है। भारत ने अनुसंधान और विकास में अच्छा प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट यह भी कहता है कि भारत में उच्च कुशल मानव पूंजी उपलब्ध है और इनकी लागत भी तुलनात्मक रूप से कम है। हालांकि सीमांत प्रौद्योगिकी के मामले में भारत की स्थिति संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और स्विट्जरलैंड जैसे देश के समक्ष कमतर है। आगे रिपोर्ट का कहना है कि सतत विकास के लिए सीमांत प्रौद्योगिकियां आवश्यक हैं, क्योंकि यह प्रारंभिक असमानताओं को भी कम कर सकती है। साथ ही 21वीं सदी में मजबूत औद्योगिक आधार के निर्माण में सीमांत प्रौद्योगिकी एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अब एक संक्षिप्त नजर अंकटाट पर। अंकटाट यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसे वर्ष 1964 में स्थापित किया गया और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में भारत सरकार ने स्वच्छता सारथी फेलोशिप की शुरुआत की है। इसकी शुरुआत मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय ने वेस्ट टू वेल्थ मिशन के अंतर्गत की है। इस फेलोशिप को शुरू करने का उद्देश्य शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में कचरे को कम करने में लगे हुए छात्रों, स्वयं सहायता समूहों, सफाई कर्मचारियों आदि को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इसमें प्रोत्साहन पुरस्कार को श्रेणी ए, श्रेणी बी और श्रेणी सी में बांटा गया है। श्रेणी ए के अंतर्गत सामुदायिक स्तर पर कचरा प्रबंधन के कार्यों में लगे हुए उन स्कूली विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन है जो 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक हैं। श्रेणी बी के अंतर्गत सामुदायिक स्तर पर कचरा प्रबंधन के कार्यों में लगे हुए उन छात्रों को प्रोत्साहन मिलेगा जो स्नातक, परास्नातक और शोध छात्र हैं। श्रेणी सी के अंतर्गत सामुदायिक स्तर पर कचरा प्रबंधन के कार्यों में लगे हुए नागरिकों, नगर निगम कर्मियों और स्वच्छता कर्मियों को प्रोत्साहन मिलेगा जो अपने उत्तरदायित्व से आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं वेस्ट टू वेल्थ मिशन की। तो वेस्ट टू वेल्थ मिशन प्रधानमंत्री की विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के 9 राष्ट्रीय मिशनों में से एक है। यह मिशन अपशिष्ट या वेस्ट के कुशल प्रबंधन से संबंधित है। मिशन स्वच्छ भारत एवं स्मार्ट शहर संबंधी योजना के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी एवं उचित है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्चुअल माध्यम से नई दिल्ली में ग्लोबल बायो इंडिया 2021 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया गया। इस 3 दिवसीय आयोजन में जैव प्रौद्योगिकी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। इस आयोजन में चर्चा इसी विषय पर केंद्रित थी कि कैसे भारत का मेक इन इंडिया अभियान उस आत्मनिर्भर भारत अभियान में बदल गया जो देश को आत्मनिर्भर और लचीलापन प्रदान करने का आधार बन गया है। इसमें राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया। इसमें दर्शाया गया कि भारत ने कोविड महामारी से उत्पन्न चुनौती को कैसे आपदा से अवसर में रूपांतरित किया और इस दौरान वैक्सीन, दवा, परीक्षण, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर, थर्मल स्कैनर्स और मास्क आदि के उत्पादन में महारत हासिल कर दुनिया के समक्ष मिसाल कायम की। इस अवसर पर भारत और विश्व के लिए आत्मनिर्भर भारत के विजन का एक खाका पेश किया गया, जिसके अनुसार भारत दुनिया की सबसे खुली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और दुनिया भर से होने वाले नए निवेश का सर्वाधिक आकर्षक केंद्र भी बनकर उभरा है। आज हमारा देश दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। इस आयोजन में नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड के राजदूत भी शामिल हुए।
इस दौरान नीदरलैंड के राजदूत ने कहा कि कोविड जैसी आपदा ने यही दर्शाया है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और कृषि जैसे क्षेत्रों में और अधिक अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता की आवश्यकता है। जहां तक वैक्सीन वितरण की बात है तो इस मामले में भारत सफलता की गाथा साबित हुआ है। वहीं भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत डॉक्टर रॉल्फ ने कहा कि आज विज्ञान एवं नवाचार के क्षेत्र में भारत समाधान उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के सारस्वत ने कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया विभिन्न प्रकार के वायरस से जूझ रही है तो वायरोलॉजी में रिसर्च के लिए नए संस्थान खुलने चाहिए और इसके लिए ढांचे को मजबूत करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने एक ऐसे नियामक तंत्र की जरूरत पर जोर दिया है जो देश में फार्मा इंडस्ट्री और संबंधित भागीदारों के बीच संतुलन बिठा सके। उन्होंने कहा कि भारत में फार्मा सेक्टर के लिए अनुकूल निवेश माहौल और जमीन अधिग्रहण का एक इनोवेटिव तरीका बनाया जाना चाहिए। भारत में बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वर्ष 2012 में निवेश $62 बिलियन था, जो वर्ष 2025 तक $150 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन ने इस मौके पर कहा कि आज हम बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर हैं, क्योंकि COVID-19 के मामले विशेष रूप से यूरोप और अमेरिका में लगातार बढ़ रहे हैं। इस वायरस के विभिन्न प्रकारों प्रतिरूपों को लेकर तमाम अनिश्चितताएं कायम हैं। इस दौरान भारत वैश्विक स्तर पर बड़े वैक्सीन निर्माता के रूप में उभर कर सामने आया है। ऐसे में वैक्सीन का अध्ययन और शोध करने के लिए भारत में बहुत संभावनाएं हैं, जिसे समन्वित दृष्टिकोण से देखने और सोचने की आवश्यकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP ने फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 जारी की। आइए जानते हैं कि भोजन की बर्बादी के संबंध में रिपोर्ट में क्या कहा गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में लगभग 931 मिलियन टन खाद्य पदार्थों का उपभोग नहीं हुआ। इसका अर्थ है कि 931 मिलियन टन खाद्य पदार्थ वेस्ट हुआ। सर्वाधिक खाद्य पदार्थों की बर्बादी घरों में हुई, जिसकी मात्रा कुल वेस्ट फूड का 61%। वहीं खाद्य सेवाओं और खुदरा दुकानों में क्रमशः बर्बादी का यह स्तर 5% और 2% रहा। रिपोर्ट के अनुसार फूड वेस्ट सभी आय वाले देशों में पाया जाता है, चाहे वह निम्न आय हो, मध्यम या उच्च आय वाले देश हो। जैसे भारत 50 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष, नाइजीरिया जैसे देश 189 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष और ऑस्ट्रिया जैसे विकसित देश 39 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष फूड वेस्ट करते हैं। दक्षिण एशिया के देशों में बर्बाद होने वाले भोजन की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष के संदर्भ में 82 किलो के साथ अफगानिस्तान शीर्ष पर है। वहीं अन्य देशों में बर्बाद होने वाले भोजन की मात्रा नेपाल में 79 किलो, श्रीलंका में 76 किलो, पाकिस्तान में 74 किलो और बांग्लादेश में 65 किलो है। इस तरह भारत दक्षिण एशिया में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति खाना बर्बाद करने वाले देशों की सूची में अंतिम पायदान पर है। वहीं अमेरिका में घरों में बर्बाद होने वाले भोजन की मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 59 किलोग्राम है, तो यही चीन में यह मात्रा प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष 64 किलोग्राम है। खाद्य पदार्थों की यह बर्बादी किसी भी तरीके से अच्छी नहीं मानी जा सकती, क्योंकि खाद्य और कृषि संगठन के एक अध्ययन के अनुसार वर्ष 2019 में कुल 69 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हैं। वहीं COVID-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव के कारण भुखमरी के शिकार होने वालों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में खाद्य पदार्थों की बर्बादी इस स्थिति को और अधिक गंभीर बना सकती है। वहीं खाद्य पदार्थों की यह बर्बादी पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। एक आंकड़े के अनुसार वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में वेस्ट फूड का हिस्सा लगभग 10% है। अब एक नज़र फूड वेस्ट इंडेक्स पर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा इस सूचकांक को जारी किया जाता है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपने सहयोगी WRAP द्वारा निर्मित किया। WRAP ब्रिटेन स्थित एक गैर सरकारी संगठन है। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट को प्रकाशित करने का लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी सतत विकास लक्ष्य के 12.3 के लक्ष्य का समर्थन करना है।
सतत विकास लक्ष्य 12.3 वैश्विक स्तर पर प्रति व्यक्ति भोजन की बर्बादी को रोकने से संबंधित है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में फ्रीडम हाउस ने वैश्विक स्तर पर राजनीतिक अधिकार एवं लोकतांत्रिक स्वतंत्रता की स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित की। आइए सबसे पहले देखते हैं कि रिपोर्ट में भारत की क्या स्थिति है। रिपोर्ट में भारत को 100 में से 67 अंक की प्राप्ति हुई है, जो कि बीते वर्ष के 71 के मुकाबले 4 अंक कम है। अंक में इस गिरावट के साथ भारत पिछले वर्ष के स्वतंत्र श्रेणी से बाहर हो गया है और आंशिक रूप से स्वतंत्र श्रेणी में शामिल हो गया है। आखिर भारत की स्थिति में गिरावट के क्या कारण है? तो रिपोर्ट के अनुसार भारत एक वैश्विक लोकतांत्रिक नेता के रूप में अपनी पहचान खोता जा रहा है और समावेशी एवं सभी के लिए समान अधिकारों की कीमत पर संकीर्ण हिंदू राष्ट्रवादी हितों को तवज्जो दे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार अपनी आलोचना के प्रति सहिष्णु नहीं है, जिस कारण मीडिया की स्वतंत्रता पर काफी प्रभाव पड़ा है। सरकार की आलोचना को दबाने के लिए सुरक्षा निकायों, मानहानि, देशद्रोह और अवमानना जैसे साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार सरकार अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के विरोध के प्रति भी असहिष्णु है, जिस कारण बनाए गए कानूनों का विरोध करने वाले लोगों पर कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट में भारत में इंटरनेट स्वतंत्रता की स्थिति को भी शामिल किया गया है। भारत में इंटरनेट की स्वतंत्रता लगातार तीसरे वर्ष प्रभावित हुई है। कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के लिए जिस प्रकार सरकार के द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई, रिपोर्ट में उसकी आलोचना की गई है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में कोरोना वायरस के प्रसार के लिए एक खास धर्म के लोगों को दोषी ठहराया गया, जो सही नहीं है। वहीं एक खास धर्म को ध्यान में रखकर कुछ राज्यों ने अंतर विवाह को रोकने के लिए कानून का निर्माण किया। यही कारण है कि फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021 रिपोर्ट में भारत की स्थिति को स्वतंत्र से आंशिक रूप से स्वतंत्र कर दिया गया। वहीं वैश्विक स्तर पर दुनिया के सबसे मुक्त और स्वतंत्र देशों में फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल है, जबकि तिब्बत और सीरिया ऐसे देशों में हैं जहां नागरिक स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक अधिकार की स्थिति निम्न स्तर पर है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की लगभग 75% आबादी ऐसे देशों में निवास करती है जहां पिछले कुछ वर्षों में लोकतंत्र और स्वतंत्रता की स्थिति में गिरावट आई है, जबकि 20% आबादी मुक्त देशों में रहती है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पिछले 15 वर्षों में वैश्विक लोकतंत्र की स्थिति में गिरावट आई है, परंतु वर्ष 2020 में इस स्थिति में ज्यादा गिरावट आई, जिस कारण वर्ष 2020 को लोकतंत्र मंदी की संज्ञा दी गई। नागरिक स्वतंत्रता एवं राजनीतिक अधिकार संबंधी यह रिपोर्ट फ्रीडम हाउस नामक मानवाधिकार संस्था द्वारा जारी की जाती है। वर्ष 1941 से कार्यरत इस संस्था का वित्त पोषण अमेरिकी सरकार के अनुदान से किया जाता है। यह संस्था वाशिंगटन में स्थित है। बढ़ते हैं अंतिम खबर की ओर। दुनिया भर में लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए काम करने वाली संस्था विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुनने की शक्ति, बहरेपन और हियरिंग लॉस को लेकर विश्व की पहली रिपोर्ट जारी की है। गौरतलब हो कि 3 मार्च को पूरी दुनिया में विश्व श्रवण दिवस मनाया जाता है। दुनिया भर में बहरेपन और कानों की सेहत को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए 3 मार्च को मनाए जा रहे वर्ल्ड हियरिंग डे पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी थीम हियरिंग केयर फॉर ऑल, जांच पुनर्वास संवाद रखी है। WHO ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि साल 2050 तक पूरी दुनिया में लगभग 2.5 बिलियन लोग सुनने की शक्ति या बहरेपन की समस्या से किसी न किसी रूप में ग्रसित होंगे। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इस विषय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो लगभग 700 मिलियन लोगों को सुनने से संबंधित समस्या होगी, जिसमें उन्हें किसी न किसी प्रकार के इलाज की जरूरत पड़ेगी। रिपोर्ट के अनुसार अगर हियरिंग लॉस या बहरापन का समुचित इलाज नहीं हुआ तो यह लोगों के कम्युनिकेट करने की क्षमता, पढ़ाई लिखाई और रोजगार पर व्यापक प्रभाव कर सकता है। इसकी वजह से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य और रिश्तों पर भी नकारात्मक असर पड़ सकता है। बहरेपन और सुनने की शक्ति को लेकर WHO द्वारा जारी इस रिपोर्ट में कहा गया है कि लोगों में इसको लेकर सही जानकारी का अभाव है।
सही जानकारी के अभाव में लोग बहरेपन या हियरिंग लॉस के लक्षणों पर गौर नहीं करते हैं और ऐसी स्थिति को नज़रअंदाज करते हैं। रिपोर्ट में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि इतना ही नहीं, हेल्थ केयर की सुविधा देने वाले संस्थानों को भी बहरापन, हियरिंग लॉस और कानों की उचित देखभाल और इनसे बचने के उपायों की सही जानकारी नहीं है। बहरेपन के जोखिमों की बात करते हुए इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़्यादातर देशों में कान और सुनने की शक्ति को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर हेल्थ सिस्टम में कोई पहल नहीं की गई है। कम आय वाले देशों में प्रति मिलियन की आबादी के हिसाब से लगभग 78% कान, नाक और गले के विशेषज्ञों की कमी है और प्रति मिलियन लोगों पर एक ऑडियोलॉजिस्ट की संख्या 93% कम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बहरेपन और हियरिंग लॉस की समस्या पर लगाम लगाने के लिए देशों को राष्ट्रीय स्तर पर सुधार करने पड़ेंगे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बहरेपन या इससे जुड़ी हुई समस्याओं का मुख्य कारण सही जानकारी का अभाव और कान की बीमारी में लापरवाही है। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों में बहरेपन की समस्या के कारण रूबेला और मेनिनजाइटिस को टीकाकरण, उचित देखभाल और स्क्रीनिंग के माध्यम से 60% तक कम किया जा सकता है। बच्चों के अलावा बड़े लोगों में इस समस्या को ध्वनि नियंत्रण, जैसे कि तेज आवाज से दूरी, कानों को सुनने की क्षमता के अनुसार आवाज को सुनने और ओटोटॉक्सिक दवाओं के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। बहरेपन और कानों से जुड़े रोगों की पहचान कर इसका उचित इलाज किए जाने पर भी यह समस्या कम हो सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि COVID-19 की तरह इसकी भी स्क्रीनिंग की जा सकती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी इस रिपोर्ट के मुताबिक बहरेपन या हियरिंग लॉस की समस्या के बढ़ने के पीछे ये कारण है: उचित जानकारी का अभाव, कानों को लेकर उचित इलाज की कमी, संक्रमण या जन्मदोष, बढ़ता शोर और आधुनिक जीवन शैली, ध्वनि प्रदूषण। इस रिपोर्ट के मुताबिक समस्या पर काबू पाने के लिए बड़े निवेश की जरूरत होगी। इसके लिए लगभग 100 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के हिसाब से खर्च आएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक जागरूकता और इलाज को लेकर सभी देशों को उचित कदम उठाना होगा, नहीं तो यह संख्या बढ़ती जाएगी। तो ये थी इस सप्ताह की प्रमुख खबरें। इसके साथ ही साप्ताहिक समाचार संकलन के इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। अगर हमारा यह कार्य आपको प्रशंसनीय लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें अवगत कराएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच इसे शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।